सरकार कुछ कर नहीं रही है। मेरा तो मस्त चल रहा है, कम से कम 1,00,000 रुपए कमाता हूँ। अगर मैं अभी चाहूँ तो रोजगार मुझे अभी इंटर्नशिप दे सकता है, गवर्नमेंट मुझे अभी इंटर्नशिप देगा और मैं अभी ही कमाना शुरू कर सकती हूँ। अभी समझ लो आप भोपाल के अंदर तो बीजेपी की गाड़ी है। मेरा मानना, मैं खुद हाथ पढ़ रही हूँ भाई, आज बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको, आप करके तो देखो। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनको अभी से इंटर्नशिप मिल रही है। अगर वो कांग्रेस के साइड से है, बीजेपी के साइड से, कहीं के भी साइड से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर योगी के जो काम है वो बहुत सही है। वो जो उनका अब की बार 400 पार है, उसमें हो सकता है आपको लगेगा पार होने भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है ना, हमें कास्ट से मतलब है ना ही हमें उनकी कोई अदर चीजों से मतलब है, हमें केवल ये मतलब है कि हमारा देश सही से चले। और वो योगी सही से चलाता है, वो हर चीज देखता है, चाहे वो छोटी छोटी क्राइम ही क्यों ना हो। अब इसी मुद्दे पर हम और भी लोगों से इस बातचीत करेंगे और कुछ नए वोटर्स यंगस्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो लोकसभा चुनाव या आने वाली सरकार के विषय में क्या राय रखते हैं और किस तरीके से अपनी राय जाहिर करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनायक भौरे है। विनायक आपका? मधु कुमारी। और आपका? शीरिन शेख। लोकसभा चुनाव 2024। अंकित। अंकित ये बताइए, आप लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है अगली अब की बार जो सरकार बनेगी वो नई सरकार बनेगी कि आप पुरानी रिपीट होगी? पुरानी रिपीट होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सारे सड़क वड़क देख सकते हो आप, शिक्षा पढ़ाई वढ़ाई और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है मेरा। लोग तो शिकायत कर रहे हैं धंधा मंदा है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। मेरा तो मस्त चल रहा है, कम से कम 1,00,000 रुपए कमाता हूँ महीने। तो सरकार ने आपको कोई विशेष रियायत दी क्या इसके लिए? विशेष रियायत तो यही चल रहा है, अभी तो पैसा कमाओ और उड़ाओ। क्या बिजनेस करते हैं आप जो 1,00,000 रुपए महीना कमाते? बिजनेस कपड़ों का दुकान मेरा। कौन सी दुकान है? आगे वाली, इधर से जाओगे ना आगे मेरी दुकान है। 1,00,000 रुपए महीने की आय है आपको? पक्का? नहीं तो इनकम टैक्स वाले सुन ले तो अभी। नहीं कमाता हूँ, इनकम टैक्स भरते ना। इनकम टैक्स भरते हैं आप? आपको क्या लगता है सरकार ने कौन से ऐसे काम करे जिसकी वजह से आपको लगता है सरकार फिर से आना चाहिए? सरकार ने ऐसे काम करे, ये दीदी पढ़ाई करती है, आप भी पढ़ाई करते हो, अभी पढ़ाई करते हो, अभी इनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। कैसे? अगले टाइम पे। कैसे? ऐसे कि अभी अब। अच्छा आप क्या पढ़ाई करते हो? साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ मैं। भोपाल में ही कर रही हूँ? भोपाल किस कॉलेज से? रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से। मैं अभी साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा, सेकंड सेम। आप इनकी राय से किस तरह सहमत है कि सरकार कैसे आने वाले पढ़ने वाले युवाओं को रोजगार दे? जैसे कि आप सबको पता है कि अभी आने वाले जनरेशन में बहुत टाइम, 2 साल पहले से एनईपी का निकल रहा था, पर अभी अभी क्या हुआ कि एनईपी निकल गई है। तो जो न्यू शिक्षा पॉलिसी हुई है उसमें बहुत सारे एनईपी के नए नए चीजों को डेवलप किया गया, जैसे कि लोगों को पढ़ाई में भी फोकस किया गया कि किस एक व्यक्ति किस किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ सकता है। पहले जो पुराने पढ़ रहे थे हम, जो जो पढ़ाई हो रही थी हमारी, वो पुराने तरीके से ही हो रही थी, जिससे कि देख रहे थे कि कैसे लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे थे। पर जब सरकार ने पढ़ाई पे ध्यान दी, वो पहले सब कुछ पे ध्यान दे रही थी कैसे क्या किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बेसिक चीजें नहीं देखी थी। बाद में जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें पता चला कि जो ये सारी दिक्कत हो रही है, लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पढ़ाई पे आ रहा है। वो पढ़ाई स्टार्टिंग से ही हमारी सही नहीं चल रही थी। अगर साफ शब्दों में हम उसको 2 शब्दों में यूं कहें कि सरकार जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो रोजगार परक नहीं थी, मतलब उससे रोजगार नहीं मिलता था। अपना पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ने के बाद ऐसे बेरोजगार घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो जो पढ़ रहे हैं उससे उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, उनसे वो क्या पढ़ सकते हैं। जैसे हमें अभी के टाइम पे मैं बता रही हूँ, लोग क्या कहते हैं, फीमेल जो अभी की जो हाउस वाइफ फीमेल है, कहीं ना कहीं उन्होंने बीए करके रखा है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने बीए करके क्या किया, क्या अचीव किया। लोग आर्ट्स कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे यूं ही बेरोजगारी घूमने वाले, आर्ट्स तो यूं ही है। मेरा मानना है कि जो आर्ट्स के बच्चे वही आजकल आगे बढ़ रहे हैं। और पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा, आपने बहुत सारे बच्चों को इनकरेज करा है, क्योंकि अधिकतर बच्चे आर्ट्स के नाम से मुंह बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मानना, मैं खुद आर्ट पढ़ रही हूँ भाई, आर्ट बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको, आप करके तो देखो। और जो अभी नई शिक्षा पॉलिसी अभी लागू की गई है 2022 की, वो मैं बता रही हूँ, एक एक अगर आप टॉपिक उठा करके देख रहे हो ना, आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ो, आपको उस एक टॉपिक से ही आपको रोजगार मिल जाएगा। मेरा साइकोलॉजी है, मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने पढ़ी, मेरा अगर मैं फर्स्ट टाइम अभी क्लियर कर लूंगी, अगर मैं अभी चाहूँ तो रोजगार मुझे अभी इंटर्नशिप दे सकता है, गवर्नमेंट मुझे अभी इंटर्नशिप देगा और मैं अभी ही कमाना शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा वो पढ़ाई ही है, क्योंकि एनईपी ऐसा बनाई ही गई है। तो मेरा मानना है अगर बच्चे आर्ट्स भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे फ्रेंड्स भी आर्ट्स में ही है। आपको लगता है जो बात अभी उन्होंने बोला है वो सही है? बिल्कुल एकदम सही है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या है कि बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिला, जैसे कि मेजर माइनर का एक सिस्टम चालू हुआ है, जिसमें जो सब्जेक्ट आपने लिया है, जैसे कि बीए हमारा है, मैं भी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का साथ हूँ, और मैं भी रविंद्र टैगोर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ रहा हूँ, हम सब एक साथ ही पढ़ते हैं, सब सब दोस्त हैं। सो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये है कि आपको एक कोर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके डिपार्टमेंट के भी नहीं है, जैसे कि मेरा मेजर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है, जिससे मैं ऑनर्स कर रहा हूँ,
साइकोलॉजी, मेरा सेकंड ईयर साइकोलॉजी, जो इनका साइकोलॉजी है वो मेन पूरा फोकस पर रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ी नॉलेज मिलती रहेगी साइकोलॉजी के बारे में, तो उससे बहुत हेल्प हुई है। और सही बात है, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी से इंटर्नशिप मिल रही है, कि हमारा एक मित्र है सुरजीत लोधी, उनको एक इंटर्नशिप मिली है छोटी सी, वो अच्छी चल रही है। आपको क्या लगता है जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो कितने सैलरी अचीव करना चाहेंगे? आपको लगता है कितनी सैलरी मिलेगी? जितना मेरे को लगता है अकॉर्डिंग 30,000 से 40,000 स्टार्टिंग जॉब के अकॉर्डिंग इतना मिल सकता है, कोई बड़ी बात। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चलाई है, हम बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं, आज की जनरेशन को राजनीति की जानकारी शून्य होती जा रही है, उनका जो बैकग्राउंड है जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं वो शून्य होता जा रहा है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते? बात ये है अभी के टाइम में, जैसे मैं खुद भी इतना मेरे को पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, वो तो दोस्तों से मिलती रहती है। बात ये अभी मेन जो अपना जनरेशन चल रही है, इनका मेन फोकस बिजनेस पे, पैसे कमाने पूरी चीज, तो ये पॉलिटिक्स पे ज्यादा हम दे नहीं रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल। लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपका वोट आने वाली सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है, यदि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वोट नहीं करता है तो आपके उस वोट से गलत व्यक्ति का चुनाव भी हो जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है। और वोटिंग, हाँ वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच में अगर आप वोट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से जान पड़ताल करके कौन सी आप पार्टी या कौन सी सरकार अभी सही रहेगी, जिसका आना अच्छा रहेगा। बस आप इस बात से कहाँ तक सहमत कि पढ़ा लिखे व्यक्ति को किस टाइप से वोटिंग करने से पहले किन इश्यू को ध्यान रखना चाहिए? आप अगर वोट देंगे तो आप क्या देखेंगे सामने? कि सामने वाला वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है, और डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, और बहुत सारी आम जनता के लिए क्या कर रहा है, और जो डिफरेंस है मिडिल क्लास, हायर क्लास और जो लोअर क्लास है, उन सब में मतलब जो डिफरेंस है वो ना आ पाए। न्यू जनरेशन के लिए रोजगार के जो नए नए साधन सरकार जुटा रही है, कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीजें आगे जाके बहुत अच्छा परिणाम देंगी? अरे अभी तो मतलब अभी जिस हिसाब की सिचुएशन है, आगे चलकर हो सकता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क पड़े, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। और ये सारी प्रधानमंत्री के तौर पे आप अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए नई सरकार बनती है तो इनके अगेंस्ट आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? राहुल गांधी। आपको लगता है राहुल गांधी जी इतने योग्य है कि वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो सकते? मुझे तो लगता है कि योगी को बनाना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आप? क्योंकि जैसा आपको पता है कि यूपी पहले क्या था और अब यूपी क्या हो गया है, उसके डेवलपमेंट कितने अच्छे हो रहे हैं, एक एक चीज को देखा जा रहा है। क्राइम, आप यूपी से हैं क्या? कह सकते हैं मैं यूपी की ही हूँ, पर बिहार और यूपी के बॉर्डर में रहती हूँ, बलिया जिला में रहती हूँ मैं, पर नॉर्मली मैं एमपी में रहती हूँ। मेरा कहना है कि योगी बहुत सही है, अगर वो कांग्रेस के साइड से है, बीजेपी के साइड से, कहीं के भी साइड से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर योगी के जो काम है वो बहुत सही है। जो उनका एक तरीका है सरकार चलाने का, आम जनता की परेशानियों को सुलझाने का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, ना हमें कास्ट से मतलब है, ना ही हमें उनकी कोई अदर चीजों से मतलब है, हमें केवल ये मतलब है कि हमारा देश सही से चले, और वो योगी सही से चलाता है, वो हर चीज देखता है, चाहे वो छोटी छोटी क्राइम ही क्यों ना हो। अगर यूपी में जाके देखिए, एक इंसान के अंदर जरा क्राइम करने का डर नहीं है, कि उन्हें पता है कि योगी है, अगर वो गलत करेगा तो योगी उसे बताएगा। योगी जी से पहले क्राइम में कितना था यूपी में क्राइम? यूपी में क्राइम थे, पर जैसे कि आपको पता है पहले तो क्राइम होते ही नहीं थे, पर धीरे 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 अब क्राइम तो बढ़ ही गए, लेकिन जैसे ही क्राइम बढ़े फिर योगी आए, फिर अब योगी ने बहुत कंट्रोल कर दिया है, फिर भी क्राइम तो होते ही है। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि यहाँ यूपी की अपेक्षा कम क्राइम है? एमपी में क्राइम होते हैं पर दिखते नहीं है, पर होते तो हर जगह है, क्राइम पर यहाँ होते, पर उसकी अपेक्षा में मेरा मानना कि कम है यहाँ पे। मुख्यमंत्री के तौर पे शिवराज सिंह चौहान से कभी आपने व्यक्तिगत रूप से आप कितना जानती है शिवराज सिंह चौहान? उनको भी मैं जानती हूँ, पर जैसे मैं पॉलिटिकल में ज्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। वोटिंग करती हैं आप? अभी तो मैं 18 की हुई हूँ, तो ईयर में वोट करूंगी, तो 7 मई को जो वोटिंग होगी उसमें आप करेंगे? हाँ, उस समय मैं करूंगी, मेरे पेरेंट्स ने घर बुलाया है मुझे। तो आप बलिया जाएंगे वोटिंग करने के लिए? एमपी की हूँ, मेरा गांव बलिया में है, मैं एमपी की ही लेकिन रहने वाली हूँ, सिंगरौली में रहती हूँ। सिंगरौली में, तो वहाँ तो वोटिंग हो चुकी है? कहाँ पे? रीवा साइड तो वोटिंग हो चुकी है? रीवा साइड हो गई होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए अच्छा, आप एक अपील कर दीजिए एक आम बच्चों को, जो आपके एज के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप उनको ये अपील करिए कि आप वोटिंग जरूर करिए, अपने 1000 काम छोड़िए, सबसे पहले वोट करिए, ये आपका और देश के हित में है, एक अच्छी सी अपील कर दीजिए। जैसे आपको पता है कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि वोट वो दे, तो आपके एक वोट से बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं, अच्छे काम हो सकते हैं, और मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अभी आपने जैसे देखा कि हम लोगों ने कुछ न्यू जनरेशन, कुछ यंगस्टर्स से बातचीत की, और उन्हें बेवाक शिक्षा नीति को लेकर जो राय रखी है, कहीं ना कहीं वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इन बातों को सीखे, इनसे समझे कि आने वाली सरकार इनके विषय में बहुत सोच रही है, और जो नई सरकार आएगी वो भी इनके बारे में अपनी राय रखेगी। हम और भी लोगों से इस बातचीत को जारी रखेंगे और उस बारे में जानेंगे कि सरकार से किसकी क्या शिकायतें हैं,
सरकार से किस टाइप की उम्मीदें हैं, किस सी योजनाओं का लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है या उन्हें चाहिए, हम इस मुद्दे पे और भी लोगों से आगे बातचीत करेंगे। आइए, क्या नाम है सर आपका? विजय भाई, आप इसी जगह के रहने वाले हैं ना? प्रधानमंत्री जी ने जो अभी दो तीन दिन पहले कुछ दिन पहले यहाँ रैली करी थी आलोक शर्मा जी के फेवर में, आपको लगता है वो रैली से उनको कितना फायदा होगा? फायदा होगा भैया, आलोक शर्मा जी की वैसे ही दमदार कैरेक्टर है, लोग कह रहे हैं बीजेपी का पक्ष यहाँ मजबूत था, तो प्रधानमंत्री जो क्यों आवश्यकता पड़ी कि उनके लिए रैली? यार पड़ेगी यार भैया, अभी समझ लो आप भोपाल के अंदर तो बीजेपी की गाड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी भी यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगता है। आलोक शर्मा जी तो वन साइड जीत जाएंगे। कितना टारगेट करेंगे वो? दिग्विजय सिंह वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे? अरे बहुत ज्यादा तोड़ेंगे भैया, 2-3 लाख वोट से ज्यादा से जीत जाएंगे। आपके इलाके के कुछ लोगों को शिकायत है प्रधानमंत्री जी की रैली से, 2 दिन तक सिक्योरिटी के कारण हमारी दुकानें बंद रखी गई, आम पब्लिक परेशान है, महंगाई के मुद्दे पे काम नहीं हो रहा, कहाँ लगता है आपको सरकार इस जगह पे फेल है? नहीं नहीं बिल्कुल सही है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए भोपाल, इतने बड़े उन्होंने जनसंपर्क करा, बढ़िया रहता है, ऐसा कुछ नहीं। एक चार दिन अगर कोई परेशानी भी होती है तो उससे कोई इश्यू नहीं है। प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए आज से अगर मान लीजिए आपको 1 दिन यहाँ का मार्केट बंद रखा जाता है तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बहुत जरूरी होता है, तो कहीं ना कहीं हमें 1 दिन की परेशानी भी अगर हो रही है तो लगना चाहिए कि थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल इतना बड़ा प्रोग्राम है भैया, 1 दिन की अगर दिक्कत भी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, बाकी सब बढ़िया। पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर जी के बीच मुकाबला था तो देश भर में सीट की चर्चा थी, इस बार ऐसा क्यों नहीं है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता आपको भैया। आपको लगता है कि दोनों कैरेक्टर में जो आमने सामने जो दो कैंडिडेट हैं बीजेपी और कांग्रेस से, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट या बीजेपी का कैंडिडेट फेमस या कमजोर है? हाँ वो तो सही है, बीजेपी का तो बहुत बढ़िया, हमारे आलोक शर्मा जी जो है बढ़िया, वो तो मस्त है, वन साइडेड जीत जाएंगे वो। कहीं ना कहीं अरुण जी जो नए चेहरा है इसके कारण आपको लगता है? नहीं नहीं, उनका तो अपन को इतना नाम भी नहीं सुना, अभी प्रचार में देखा उनको, बाकी तो आलोक शर्मा जी का तो हो ही जाएगा। लेकिन अरुण श्रीवास्तव जी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं कांग्रेस के और अच्छे स्वच्छ और दागदार बेदागदार छवि है उनकी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है सॉफ्ट लोग आम पब्लिक नया चेहरा देख के भी वोट कर सकता भी है, वैसा भी हो, लेकिन भैया अपन तो बीजेपी के लोग हैं, मोदी वाले हैं और बराबर वोट देंगे भैया आलोक शर्मा जी को। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। क्या लगता है आपको भोपाल में आलोक शर्मा कितनी लीड कर पाएंगे, कितने बड़ी वोटों से जीतेंगे, हर सीट से जीतते हैं? ये तो वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन अच्छा इसी मुझे आपसे और जानना चाहूंगा भैया, वोटिंग परसेंटेज जो गिर रहा है हर जगह का, जो अभी 2 चरण के मतदान हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन जा रहा है, आपको लगता है बीजेपी के लिए नुकसानदायक? हाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अभी भी शायद राजस्थान में भी चुनाव हुए तो वहाँ भी वोट थोड़ा कम गिरा है, बाकी भैया जीतेगी तो बीजेपी सारी जगह से, लेकिन फिर भी जो है कि मतलब वोट थोड़े कम गिर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा नुकसान भी है पार्टी को, बाकी देखते हैं भैया क्या होगा। वो जो उनका अब की बार 400 पार है उसमें हो सकता है आपको लगेगा पार? उन्हें भी है, बिल्कुल 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 पार। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमने बातचीत करी तो कहीं ना कहीं एक छवि है बीजेपी की आलोक शर्मा जी की, प्रधानमंत्री जी की छवि है और मतदाता उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी है, लेकिन अरुण श्रीवास्तव जी की एक सॉफ्ट छवि भी उनको नुकसान दे सकती है, एक बेफिक्री की भाई अरुण श्रीवास्तव कमजोर है हमारे सामने, ये भी कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। लोकसभा चुनाव से लेकर सरकार, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बारे में अभी हमने बहुत सी आम जनता से बातचीत करी, उनके विचार सुने, कुछ न्यू जनरेशन से बातचीत करी और सरकार की नई शिक्षा नीति से लेके उनके विषय में उनसे बातचीत करी। आगे भी हम इसी तरह की बातचीत और भी लोगों से करेंगे और आपको उनकी राय से अवगत कराते रहेंगे कि एक आम मतदाता न्यू जनरेशन क्या सोचती है, कि वो किस तरीके से आने वाली सरकार में अपनी भागीदारी निभा रही है और उसकी क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। मैं भी आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, 7 मई को होने वाली वोटिंग में अधिक से अधिक मतदान करें और भोपाल को एक रिकॉर्ड पर लेके जाएं कि हमारे भोपाल में 100% मतदान को हम के लक्ष्य को हासिल करें। मतदान हर नागरिक का पहला कर्तव्य है, आपका एक वोट स्वच्छ और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनाव चुनकर आप लोकसभा में आपके आपकी समस्याओं को उठाने के लिए भेज सकते हैं। मेरी बातचीत आपके जो भी राय हो आप हमें अपनी राय से अवगत कराते रहें। मैं अमित अयारण द खबरदार न्यूज से, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।